खबर बूंदी जिले से है, जहां पर बूंदी जिले के नैनवा सरकारी अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल में एक महिला प्रसूता दर्द से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी महिला को संभाले नहीं आया, जिसके बाद परिजन खुद महिला को अस्पताल के अंदर लेकर पहुंचे, जिसके बाद महिला ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर बच्चे को जन्म दे दिया। इतना ही नहीं, डिलीवरी होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की आंख तक नहीं खुली। महिला वार्ड के बाहर महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन कोई भी अस्पताल स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी काटा और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। हमारी जो भांजी की डिलीवरी थी महिला की, तो उन्होंने बाकी यहाँ सबका नहीं लेके आए और उन्हें हमारी कोई नहीं सुनी और उन्होंने ये बोल दिया कि इसको भाग वहाँ ले जाओ टोंक। बाहर लेके गए, उसका डिलीवरी हो गई, हमने चार बार अंदर आए इनको बुलाने के लिए, फिर भी बाहर ने कही कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। इस प्रकार से मना किया, हमने बाकी यहाँ से रेडी जाके हम पटक के अंदर लेके आए और बाकी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे से जुड़ गए हैं। मनोज, काफी बड़ा ये मामला है, कौन सा ये अस्पताल था जिसकी बात की जा रही है? देखिए, नैनवा का ये राजकीय अस्पताल था और क्योंकि जो प्रसूता थी उसे लेकर गए थे, डॉक्टरों का कह रहा था कि अनमेच्योर डिलीवरी थी, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उस महिला के ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो उनको वहां पर लेके गए, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने उनकी देखरेख नहीं की, उसके कारण उन्हें दर्द महसूस हुआ और उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। उसके बाद में उसकी हॉस्पिटल ले आते वक्त हॉस्पिटल के गेट पर ही मैच्योर डिलीवरी हो गई। तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल की इसके अंदर में साफ लापरवाही देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जयपुर के अंदर में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें सरकार ने दो डॉक्टरों को सस्पेंड भी किया था, लेकिन डॉक्टर जो भगवान का रूप कहलाते हैं उन्होंने आंदोलन कर हड़ताल कर अपना निलंबन वापस लिया और काम पर लौटे। और क्योंकि उसी तरह का ये मामला बूंदी के जिले के अंदर, नैनवा जिले के अंदर में हुआ है। जी, तो मनोज, क्योंकि अस्पताल पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं, अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया इस पर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हर बार जो सरकारी सिस्टम है, हर बार सरकारी सिस्टम के अंदर में एक ही बात बोली जाती है। हॉस्पिटल के आला अधिकारी और डॉक्टरों ने कहा है कि ये हमारे सामने आया है, हम इसकी जांच करवाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां एक और भजनलाल सरकार अपनी संवेदनशीलता को लेकर बार बार आम जनता के बीच में, तो मनोज कार्रवाई क्या होने वाली अब इसके बाद? बिल्कुल, देखिए, मैं जैसा यही सरकार तक मामला पहुंचा है, सरकार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन फिलहाल अभी बच्चा और उसकी माँ दोनों सुरक्षित है। बच्चा थोड़ा कमजोर है लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वो खतरे से बाहर है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।